रमजान के पवित्र माह में मुस्लिम समाज के लोग पूरी शिद्दत के साथ पाक परवरदिगार की इबादत में सजदा करने में मशलूब हैं। इसके साथ ही तमाम मस्जिदों में रोजा इफ्तार का आयोजन भी चल रहा है। इसी कड़ी में गुलाबगंज कैंट की मोहम्मदी मस्जिद में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत करने के साथ रोजा इफ्तारी भी की। कई बार रोजों के दौरान जानकारी नहीं होने से रोजेदारों के रोजे टूट जाते हैं। रोजेदार सावधानी बरत कर किस तरह से रोजे पर अमल करें, इस बारे में शहर काजी नूरुल्लाह यूसुफ़ज़ई ने द ग्राउंड रिपोर्टर से खास बातचीत में बताया कि रोजों के टूटने को लेकर जमात के कई लोगों में भ्रम की स्थिति है, मगर जब पूरी सावधानी से रोजा किया जाता है तो उसके खंडित होने की संभावना ना के बराबर होती है। सोशल मीडिया पर इस्लाम और शरीयत को लेकर चल रही पोस्टों पर समाज में पैदा हो रही भ्रामकता पर शहर काजी ने लोगों से इस्लाम और शरीयत पर तस्दीक के साथ अमल करने की अपील जारी की है। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है और जहां मुस्लिम समाज के लोग एक तरफ रोज़ा रख रहे हैं और रोज़े में इबादत में मसरूफ़ हैं और आज हमारे दरमियान में काफ़ी रोज़े गुजर चुके हैं, तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती कि रोज़ा रखने के बाद हमें किन मसाइल पर अमल करना चाहिए और किन पर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी प्रथाएँ, बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे यहाँ फैली हुई हैं, इसलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मिसाल के तौर पर उनका खुशबू लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा, या रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम मिसबाक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे दरमियान में, हमारे बीच के अंदर, जो हम लोगों को पता नहीं है और कुछ भी हो रहा है। इसलिए मेरी तमाम रोज़ेदारों से और शहर के तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने रोज़ों को सही करें और अपने जो उलमा है, अपने जो मुफ्तियान इकराम है, अपने जो उलमा है, उनसे छोटे छोटे मसाइल को पूछ कर अपने रोज़ों को सही करें। और जैसे कई सब देखा जा रहा है आजकल मोबाइलों पे, एक व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत चल रहा है कि जो इस्लाम और दीन की बातें आती हैं उन्हें डिलीट मत करना या हटाना नहीं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, जो सोशल मीडिया में इस्लामिक बातें चल रही हैं, मैं लोगों से अपील करूँगा और अनुरोध करूँगा कि इस्लामी जो बातें हैं, जो शरीयत की जो बातें हैं, पहली बात, बग़ैर किसी बात को तस्दीक किए कोई भी बात पे अमल ना किया जाए जब तक कि अपने किसी आलिम से, किसी अच्छे मुफ्ती से हम उसकी बात की तस्दीक न कर लें। बहुत सारी दिन भर उसमें इस्लामी बातें चलती हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो इस तरह कोई भी बात पे बग़ैर तस्दीक के अमल ना करें। इसलिए वो सोशल मीडिया जो है कोई भी अथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं है और उसमें कुछ भी किया जा सकता है, सही झूठ फैलाया जा सकता है। नहीं, डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और जो शरई बातें हैं उनको डिलीट किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये गलत चीज़ है, क्योंकि वो कोई इस्लाम को मिटाना और इस तरह की कोई मैटर नहीं है। सोशल मीडिया पर जो इस्लामिक बातें हैं उनको डिलीट किया जा सकता है। रोज़े इफ्तार, और दूसरी बात ये कि हमारे जो रमज़ान मुबारक का ये महीना है, ये बहुत मुबारक महीना है, इसमें पहला अशरा है, दूसरा अशरा है, तीन अशरों में ये मुनकसिम होता है, तकसीम होता है, और तीनों अशरे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और पहला अशरा तकरीबन हमसे रुखसत हो रहा है, इसलिए इस माह के अंदर जो इबादत हो सके उसकी कसरत करें। बहुत से लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि साहब इस महीने में ख़ास क्या दुआ पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उतारा है, और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में सबसे अच्छी दुआ, सबसे अच्छी तस्बीह, सबसे अच्छी चीज़ जो है और सबसे अच्छा वजीफ़ा ये है कि हम लोग कुरान करीम की सबसे ज़्यादा तिलावत करें, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है, पसंदीदा है, और कुरान जो सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के अंदर दिन में, रात में, या जब भी मौका मिले सबसे ज़्यादा हमें तिलावत कुरान करना चाहिए। इसलिए कि जहाँ रोज़ा हमारी कल मैदान हश्र के अंदर और क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेगा, इसी तरह कुरान भी जो है हमारी शफात में और सिफारिश के अंदर हमारे लिए मददगार साबित होगा। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के अंदर कोशिश करना चाहिए कि सबसे बड़ा वजीफ़ा, सबसे बड़ा तस्बीह हमारे लिए कुरान पाक है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें।